वेलकम टू फाइंडिंग एक्स। और आज जो हम देखेंगे वो है पहले हम एक थ्योरम देखेंगे। सबसे पहले तो ये एक सर्कल मैंने ड्रॉ करके रखा हो, इसका मैं सेंटर यहाँ पे ले लेता हूँ ओ, ठीक है। और ये थ्योरम क्या बोलती है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन इट्स कॉर्ड बाइसेक्स द कॉर्ड। मतलब अगर मैं सेंटर से अगर एक कॉर्ड यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, यहाँ तक कॉर्ड आपको पता होगा जो सेंटर से जो भी लाइन पास नहीं होगी और दो एंड को टच करेगी कोई भी सर्कल के, उसे हम क्या बोलेंगे, कॉर्ड बोलेंगे। जैसे ये जो मैंने ड्रॉ करके रखी हुई है ये एक कॉर्ड है, तो मैं इसको कुछ नाम दे देता हूँ सो दैट ईजी हो जाए समझने के लिए आपके लिए, ए एंड बी, क्लियर है। अब मैं इसको मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इसको परपेंडिकुलरली ड्रॉ करता हूँ ओ सेंटर से, इस तरह से जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो है पूरी की पूरी जो लाइन है ये क्या करिए, बाइसेक कर रही है, क्योंकि ये क्या परपेंडिकुलर भी होना ज़रूरी है, ये याद रखिए परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये मैं सी ले लेता हूँ, तो ए सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, ए सी इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा मुझे, बी सी मिलेगा, क्लियर है। तो ये मेरी बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो हमको देके रखी हुई है थ्योरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी बेस्ड हमारा जो प्रैक्टिस सेट है इस चैप्टर का सर्कल्स का वो हम देखेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में बोला डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले हमारे लिए जरूरी है कि हम एक डायग्राम ड्रॉ करें, तो मैं एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए यहाँ पर, ठीक है। ये सर्कल मिल गया, इसका पहले मैं सेंटर ले लेता हूँ एक, ये मेरा हो जाएगा इसका सेंटर। उसके बाद में क्या बोल रहा है कि सेंटर से जो है कॉर्ड डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड ए बी, तो इसका मतलब मुझे कॉर्ड भी यहाँ पर ड्रॉ करनी पड़ेगी, तो मैं कॉर्ड ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये मेरी कॉर्ड हो गई ए बी, क्लियर है। और जो डिस्टेंस दे के रखी है सेंटर की कॉर्ड से जो दे के रखी हुई मुझे, वो कितनी दे के रखी है, 8 सेंटीमीटर है यहाँ पे, ठीक है। एंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी इज 12 सेंटीमीटर, और यहाँ पे जो लेंथ ए बी, टोटल ए बी की लेंथ की बात कर रहा है, तो मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरी 12 बी तक की जो लेंथ है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। और मुझे क्या बोल रहा है, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो मुझे क्या फाइंड आउट करना होगा, मुझे डायमीटर फाइंड आउट करना होगा। तो मतलब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे डायमीटर के लिए, पहले मुझे रेडियस फाइंड करूँगा, और रेडियस का मैं डबल कर दूंगा। तो रेडियस क्या होगी, जो एक एंड से सर्कल को टच करे, ये जो मैं रेड कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ वो, तो ये रेडियस हो गई यहाँ पर। तो इस रेडियस को मुझे क्या करना है, फाइंड आउट करना है, मतलब ओ ए मुझे फाइंड आउट करना है। आपको पता है कि जो डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर होता है वो कितना दे करके रखा हुआ है, अपने को गिवन है यहाँ पर 8 सेंटीमीटर, और ये हमारा 90 डिग्री हो गई। ऑल इन्होंने लिखा नहीं है मेरे ख्याल से, बट इनको लिखना चाहिए था कि ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, बट इन्होंने लिखा नहीं है, बट हम वो अजम्पशन ले लेंगे यहाँ पर। तो इसको मैं बताता हूँ आगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं जो गिवन है सबसे पहले हम लोग वो लिख लेंगे, गिवन गिवन हमको यहाँ पे क्या क्या है, गिवन हमें यहाँ पर है इस पॉइंट का मैं कुछ नाम देता हूँ, मैं इस पॉइंट को, जो ये वाला जो पॉइंट है इसका मैं नाम देता हूँ पी, आई होप आपको दिख रहा होगा पी मैंने कहाँ पे लिखा है। तो गिवन जो है हमें यहाँ पे ओपी, हमें गिवन कितना दे करके रखा हो, ओपी हमें गिवन है यहाँ पर 8 सेंटीमीटर, क्लियर है। और जो हमारा यहाँ पर ओए है वो हमें फाइंड आउट करना है, और ए बी हमें गिवन कितना है, ए बी इक्वल टू हमें गिवन है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। बट अगर हमें एपी निकालना है तो एपी क्या हो जाएगा यहाँ पे, एपी हो जाएगा हाफ ऑफ ए बी हो जाएगा, क्लियर है। और ये हाफ ऑफ ए बी क्यों होगा, ये हाफ ऑफ ए बी का पीछे आप रीजन क्या लिखेंगे, कॉर्ड ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, कॉर्ड ड्रॉन फ्रॉम दी सेंटर, क्लियर है। तो ये हाफ ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू ए बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 12, इससे करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 2 1 2 और 2 6 12 हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी वो ए पी की वैल्यू मिल जाएगी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम कंसिडर करेंगे इन ट्राइंगल ए ओ पी, ए ओ पी ट्राइंगल मतलब कौन सा हो जाएगा, देखिए ए ओ पी ये वाला ट्राइंगल मेरा ए ओ पी ट्राइंगल हो जाएगा। तो इस ट्राइंगल के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो इस ट्राइंगल को मैं कंसिडर करूँगा इन ट्राइंगल ए ओ पी हो जाएगा ये। तो ए ओ पी के अंदर में क्या होगा, आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम से हमारा क्या हो जाएगा, ए ओ स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर, ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर, ठीक है। तो ए ओ स्क्वायर, ओ पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओ पी की वैल्यू हो जाएगी 8 स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, प्लस ए पी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, 6 हो जाएगी। ए पी की वैल्यू मैंने निकाली हम लोगों ने 6, तो मैं ये पुट कर दूंगा यहाँ पे, तो 6 स्क्वायर हो जाएगा। तो 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 8 64 होता है, 6 प्लस 6 क्या हो जाएगा, 6 इंटू 6 मतलब नॉट 6 प्लस 6, 6 इंटू 6 इज 36, और ए ओ
स्क्वायर मिल जाएगा मुझे यहाँ पे, वही मैं लिखता रहूँगा बार बार। तो 64 + 36 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ए ओ इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 100। आपको पता है स्क्वायर रूट ऑफ 100 क्या होता है, 10 होता है, ठीक है। तो अभी हमें क्या मिला है, ए ओ मिला है, तो ये हमारी रेडियस की वैल्यू हुई है। तो रेडियस मतलब क्या हुआ, ये जो वैल्यू थी ए ओ मतलब क्या था मेरा, रेडियस है यहाँ तक। तो रेडियस की हमें वैल्यू क्या मिल गई है, रेडियस इक्वल टू मुझे मिल गया यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मैं थोड़ा नेक्स्ट पेज का जो काम है यहीं पे साइड में कर रहा हूँ, तो आपको नीचे पेज में लिखना है इस चीज़ को। तो आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर मिल गया। तो डायमीटर इक्वल टू, आपको पता है क्या होता है डायमीटर, क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर जो बोला है डायमीटर बोला है, तो ये सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब आप एग्जाम में सॉल्व कर रहे होते हो। डायमीटर इक्वल टू क्या होता है, 2 × r होता है, मतलब 2 r होता है। तो आर की वैल्यू हमको मिली है 10 सेंटीमीटर, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू 2 × 10 सेंटीमीटर करेंगे, तो हमें 20 सेंटीमीटर मिल जाएगा। तो डी की वैल्यू हमको जो फाइंड करनी थी वो हमने फाइंड आउट कर ली यहाँ पे, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड। हाँ, डायमीटर ऑफ अ सर्कल। अब ये देखिए जितने भी क्वेश्चन देके रखे ना आगे के दो क्वेश्चन भी, ये बहुत ही ज़्यादा सिमिलर दे करके रखे हुए हैं, बट स्टिल मैं आपको क्या करूँगा, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा और जो कैलकुलेशन का पार्ट है वो आप खुद से करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप कर लेंगे। प्लीज़ ऐसा मत बोलिएगा कि नहीं हमसे ये भी नहीं हो रहा है, कि आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर आप खाली वीडियो देख रहे हैं तो इसका कोई यूज़ नहीं है, अगर आप मेरे साथ साथ सॉल्व नहीं कर रहे हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ नोटबुक लेके बैठिए और उसके साथ साथ सॉल्व करते चलिए, ठीक है। तो मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, क्योंकि यहाँ डायमीटर ऑफ सर्कल हमें गिवन है, डायमीटर गिवन है, तो पहले मैं इसका एक सेंटर ले लूँगा यहाँ पे। तो मैंने एक सेंटर ले लिया, ठीक है। तो ये सेंटर हो गया मेरा, ये सेंटर मिल गया मुझे। तो सेंटर का मैं नाम दे दूंगा यहाँ पे ओ, ठीक है। उसके बाद में तो ये सेंटर मिल गया मुझे, और उसके बाद में क्या बोल रहा है कि डायमीटर गिवन है, तो डायमीटर मतलब रेडियस जो हो जाएगा उसका हाफ हो जाएगा। तो डायमीटर जो मुझे दे करके रखा हुआ है, डायमीटर इक्वल टू ये गिवन लिख दीजिए आप यहाँ पे, ठीक है। डायमीटर जो मुझे गिवन है यहाँ पे 26 सेंटीमीटर है। डायमीटर आपको पता है क्या होता है, 2 r होता है, तो 2 r इक्वल टू 26 हो गया। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 26/2 मतलब कितना हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ये देके रखा हुआ है हमको, कितना देके रखी है रेडियस, हमको देके रखी हुई है 13 सेंटीमीटर गिवन है हमें यहाँ पर, क्लियर है। उसके बाद में द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज 24 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ ऑफ कॉर्ड की, मतलब कॉर्ड हमारा कौन सा हो जाएगा, ये जो हो जाएगा हमारा कॉर्ड हो जाएगा। लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 24 सेंटीमीटर, मतलब ये टोटल की टोटल लेंथ कितनी देके रखी हुई है, 24 सेंटीमीटर गिवन है मुझे यहाँ पर, क्लियर है। और हमें क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम दी सेंटर। तो मतलब मुझे कौन सी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, ये ओ ले लेता हूँ, ये मैं ए ले लेता हूँ, ये मैं बी ले लेता हूँ, ये वाला जो पॉइंट है मैं इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दूंगा इस तरह से। तो ये वाला पॉइंट जो है वो मैं सी ले लूंगा, क्लियर है। उसके बाद में क्या होगा, हमें ओ सी फाइंड आउट करने को बोलना है। यहाँ पे कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मुझे ओ सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसके अंदर में। तो अगेन आपका क्या हो जाएगा, 13 ये हो गया। अभी आपको ए सी निकालना है, तो ए सी क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए सी इक्वल टू हो जाएगा हाफ ऑफ ए बी हो जाएगा, क्लियर है। तो ए बी की वैल्यू क्या अपने पास में, ए बी की वैल्यू हमारे पास में है 24, तो इसका मतलब क्या होगा, 1/2 × 24 करूंगा मैं यहाँ पर, ठीक है। तो 24 करूंगा तो 2 × 2 2, ये 12 मिल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर से अगेन हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करने वाले हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल ए ओ सी, तो आपका फिर से क्या मिलेगा, आपको ए ओ स्क्वायर इक्वल्स टू मिल जाएगा ओ सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ठीक है। तो ए ओ की वैल्यू तो हमें गिवन है, कितनी गिवन है, 13 हो जाएगी, 13 स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ पे, ओ सी, ओ सी की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, ओ सी स्क्वायर करना है यहाँ पे, और प्लस ए सी है, तो ए सी की वैल्यू क्या मेरे पास में, 12 स्क्वायर है, ठीक है। तो इस 12 को मैं इधर से इधर शिफ्ट करूंगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, 13 स्क्वायर - 12 स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओ सी स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे a² - b² यूज करूंगा मैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी मैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर लिखता हूँ, 13 - 12, क्योंकि आप 13 का स्क्वायर निकालें, 12 का स्क्वायर आप वैसे चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं ना, कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। 13 का स्क्वायर पता है 169 होता है, 12 का स्क्वायर क्या होता है आपको पता है 144 होता है। ये दूसरी एक ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, 13² - 12² करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 13 - 12 और 13 + 12 इक्वल्स टू ओ सी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे रीजन क्या आ जाएगा, a² - b² हमारा क्या होता है, a + b × a - b होता है, ठीक है। उसी बेसिस पे मैंने यहाँ पे ये चीज लिख दी। अभी इसके बाद में क्या होगा, 13 - 12 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, आपको पता है 13 + 12 क्या होगा, 25 हो जाएगा। तो 25 इक्वल्स टू क्या हो रहा है, उसी स्क्वायर हो रहा है। आगे बहुत इजीली सॉल्व कर ही सकते हैं, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है।
तो आप 25 का स्क्वायर किसका स्क्वायर है आपको पता ही होना चाहिए, तो इसका आप सॉल्व कीजिएगा अभी के अभी वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत 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 ज़्यादा सिमिलर है। यहाँ पे रेडियस गिवन है और यहाँ पे क्या डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम सेंटर, मतलब यहाँ पे क्या क्या गिवन है आपको बताया, तो मैं पहले थोड़ा सा डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ और ये मैं ज़्यादा मैं हिंट नहीं दूंगा, सॉल्व भी नहीं करूँगा, मतलब मैं खाली थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके छोड़ दूंगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरा सेंटर हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा रेडियस ऑफ सर्कल इज 34 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस मेरी क्या हो जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक ये मेरी रेडियस हो रही है कितनी हो रही है 34 गिवन है मुझे, और जो डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर मतलब ये जो रेडियस है उसके मैं कॉर्ड जो है सेंटर वाली सेंटर से जो कॉर्ड है उसकी बात कर रहा है वो हमें गिवन है यहाँ पे, वो कितनी दे के रखी है वो हमें 30 गिवन है, ये मतलब वैल्यू जो मुझे गिवन है यहाँ पे 30 गिवन है। तो हमको क्या करना है, हमको ये पूरी की पूरी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब ए बी मुझे फाइंड आउट करना है यहाँ पे, ये मैं ले लेता हूँ ओ और ये मेरा हो जाएगा सी। तो अब पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू पहले ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और जो वैल्यू मिलेगी उसको आप डबल कर देंगे, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको टोटल जो है ए बी की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का अभी के अभी आप इसको ट्राई कीजिएगा। हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या देखा के रखा हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी हद तक मुझे सिमिलर ही लग रहा है, बट स्टिल मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ उसके अंदर क्या करना है। तो रेडियस ऑफ सर्कल जो है विथ सेंटर ओ इज 41 यूनिट्स, ठीक है। तो अगेन पहले मैं एक डायग्राम बना दूंगा, इसमें मैं हिंट ही देने वाला हूँ और आपको इसको ट्राई करना है, ठीक है। अगर आप अभी के अभी ट्राई करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कैसे करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया सेंटर हो गया ये वाला, तो रेडियस ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ, तो मैं सेंटर यहाँ पे पहले ही उन्होंने बोला है ओ लेना है तो मैंने ओ ले लिया यहाँ पे सेंटर, और रेडियस की जो वैल्यू बोल रहा है वो कितनी वैल्यू बोल रहा है यहाँ पे, रेडियस में ड्रॉ कर देता हूँ ऐसे, तो रेडियस की वैल्यू जो है 41 यूनिट्स, तो उसने बताया नहीं कि सेंटीमीटर है मीटर किलोमीटर कुछ नहीं बताया। और लेंथ ऑफ द कॉर्ड पी क्यू इज 80 यूनिट्स, तो लेंथ ऑफ द कॉर्ड पी क्यू मतलब ये क्या हो जाएगा, पी क्यू आपको ड्रॉ करना होगा यहाँ से लेके, हम ड्रॉ कर देता हूँ मैं एक पी क्यू कॉर्ड, तो ये हो जाएगा पी और ये हो जाएगा क्यू, ठीक है। तो पी क्यू कॉर्ड की टोटल की वैल्यू दे रहा है मेरे को यहाँ से लेकर के यहाँ तक, टोटल मतलब वैल्यू कितनी है 80 यूनिट्स है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अगेन आपको क्या करना होगा, ये जो पी क्यू और ये वाला जो है मैं सेंटर से ड्रॉप करता हूँ यहाँ पे, तो ये 90 डिग्री पर ड्रॉप होगा, ये मैं एम ले लेता हूँ, तो अगर पी एम की वैल्यू निकालनी तो वो क्या हो जाएगी, इसका हाफ हो जाएगा, 80 का हाफ कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है। अगेन आपको क्या करना होगा, इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगानी होगी, ठीक है। तो आप आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, ये चारों के चारों क्वेश्चन बहुत सिमिलर देख के रखे हैं और बहुत सिंपल हैं, इतना कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो आप ट्राई करके क्या करेंगे, इसके अंदर मैं आपको ओ एम की वैल्यू निकालें, आप ओ एम की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। हमारे आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ में, फिफ्थ क्वेश्चन में देखते हैं क्या देख करके रखा हुआ है। फिगर के अंदर हमको बोल के रखा हुआ है कॉर्ड ए बी, ओके ये मैंने छोटी सी, ये स्मॉल बी हो गया लेकिन ये कैपिटल बी है, तो कॉर्ड ए बी, ए बी मतलब कौन सा हो गया कॉर्ड, ये वाली कॉर्ड और ये वाली कॉर्ड है। ऑफ बिगर सर्कल इंटरसेक्ट द स्मॉलर सर्कल इन पॉइंट्स पी क्यू शो दैट ए पी इक्वल टू पी क्यू, मतलब हमें क्या शो करना है, मतलब आपको बताता हूँ, हमें शो करना है ये जो ए पी है ये किसके इक्वल होगा, ए पी इज इक्वल्स टू पी क्यू है, सॉरी ये भी मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, ये हो जाएगा बी क्यू, क्वेश्चन जल्दी जल्दी में अच्छे से नहीं लिखे मैंने, तो ए पी इज इक्वल्स टू बी क्यू होगा, तो मतलब क्या हो जाएगा, ये जो ए पी आपको देखा के रखा हुआ है किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारा बी क्यू के इक्वल हो जाएगा। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है, प्रूव करना है, शो दैट करना है, एक ही बात होती है यार, डिफरेंस नहीं होता है, तो यहाँ पे यही हमारा मेन टारगेट है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम जो करेंगे, सेंटर ओ मुझे बोल के रखा हुआ है तो मैं इसको सेंटर ओ यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ये मेरा सेंटर ओ हो गया, ठीक है। तो पहले हम छोटी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ड्रॉ सेगमेंट, ड्रॉ सेगमेंट ओ एम परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी, ठीक है। कॉर्ड ए बी आपको पता कौन सी है, कॉर्ड ए बी मेरी कौन सी हो गई, ये वाली जो पूरी पूरी कॉर्ड है वो मेरी ए बी हो जाएगी, तो ठीक है हम लोग यहाँ से ओ एम ड्रॉ कर देंगे। तो मैं एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर देता हूँ, तो ये जो है मेरा क्या हो जाएगा, एम पॉइंट हो जाएगा, मैंने इसको ओ एम ले लिया यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हमारा क्या हो जाएगा, अगर मैं बात करता हूँ जो बिगर सर्कल आप बोल सकते हैं या फिर आप लिख सकते हैं यहाँ पर, अभी स्मॉलर सर्कल के अंदर मैं बात करता हूँ, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे पी एम इक्वल टू, ये मेरी 90 डिग्री है तो मैं शो कर देता हूँ, तो पी एम इक्वल्स टू एम क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रीवन आ जाएगा, तो रीवन का बहुत बड़ा वाला स्टेटमेंट आएगा, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ
सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, क्लियर है? तो ये मेरा हो जाएगा पी एम इक्वल टू एम क्यू, मिल जाएगा मुझे यहाँ पर। उसके बाद में क्या होगा, ये मैंने स्मॉलर सर्कल से निकाला है, वही सेम रीज़न से हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये वाली जो मैंने यूज़ किया था उसी सिमिलर वे में मैं क्या करूँगा, ओ एम कॉर्ड जो है वो किसको परपेंडिकुलर है, सिमिलरली मैं यहाँ पे लिखूँगा, सिमिलरली ओ एम इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी ऑल्सो, ठीक है? वही हमने ड्रॉ किया था। तो ये कॉर्ड मैंने यहाँ पे जो लिया था, यहाँ पे मैंने कौन सा कॉर्ड लिया था, ये मैंने पी क्यू लिया था, ठीक है? तो ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी ऑल्सो हो जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा मेरा, ए एम इक्वल्स टू एम बी आ जाएगा, ए एम इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एम बी। तो इसको ये वाला जो हमने फर्स्ट लिया था ना, इसका फर्स्ट मार्क कर देना यहाँ पे। तो इसका भी जो है यही वाला सेम रीज़न यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, कॉपी कर देंगे। तो ये आपका कॉपी पे फिर क्या यहाँ पे पूरा लिख देना, मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है? तो एम और ये वाला क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों में से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, दोनों में से क्या करूँगा, फर्स्ट सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करूँगा, सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट वी गेट। तो ये क्या हो जाएगा, ए एम से पी एम माइनस होगा और एम बी से एम क्यू माइनस होगा। तो ए एम माइनस पी एम इक्वल्स टू एम बी माइनस एम क्यू। अब देखिए डायग्राम देखिए, अभी आप यहाँ पे मैं कर रहा हूँ ए एम माइनस पी एम, तो मतलब क्या हो रहा है, ए एम ये पूरा का पूरा है, ए एम में से भी मैं क्या कर रहा हूँ, पी एम अगर मैं माइनस करता हूँ मतलब निकाल दूंगा, तो क्या बचेगा, खाली ए पी बचेगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, ए पी लिखूंगा यहाँ पे, इक्वल टू सिमिलर वे में क्या होगा, यहाँ पे एम बी माइनस एम क्यू हो रहा है, एम बी मतलब ये पूरी चीज़ है, तो ये एम क्यू से फिर निकल जाएगा, मतलब ये पोर्शन था निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, ये वाला पोर्शन बचेगा, ठीक है? तो क्या बचेगा, बी क्यू बचेगा, ठीक है? तो ये हमारा क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये भी पूरा एक्सप्लेनेशन बेस्ड ही है, और मैं आपको ये क्वेश्चन समझा देता हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है अपने को। प्रूव दैट इफ अ डायमीटर ऑफ, सबसे पहले यहाँ पे सर्कल की बात होती है, सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है, तो मैं पहले एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे समझाने के लिए कि इसके अंदर क्या प्रूव करना है, हम कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है? एक सर्कल की बात कर रहा है, इफ़ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, तो पहले मैं डायमीटर भी ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे, एक लाइन से मैं लेकर के स्टार्टिंग एंड, ठीक है, ये मैंने एक डायमीटर भी ड्रॉ कर दिया यहाँ पर। उसके बाद में क्या हो गया, डायमीटर बोला है, सर्कल बोला है, वो मैंने कर दिया, बाइसेक्स टू कॉर्ड फॉर द सर्कल, बाइसेक्स टू कॉर्ड मतलब दो कॉर्ड बाइसेक करना, दो कॉर्ड पहले ड्रॉ करनी पड़ेगी, दो कॉर्ड आ रही हैं अगर, तो यहाँ पे तो मैंने एक कॉर्ड ये ड्रॉ कर दी यहाँ पर, उसके बाद में मुझे एक और कॉर्ड ड्रॉ करनी पड़ेगी, तो मैं वो भी ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर कुछ इस तरह से, ठीक है? देन दोज टू कॉर्ड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, मेरा सेंटर जो है मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सेंटर ओ, ठीक है? अब मैंने क्या किया, मुझे क्या बोल रहा है कि अगर एक मेरा डायमीटर है, डायमीटर मैं ले लेता हूँ ये वाला जो पूरा पूरा डायमीटर आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये डायमीटर ले लिया मैंने, और दो कॉर्ड जो लेंथ मैंने वो ले लिया, मुझे प्रूव करना है कि दोनों कॉर्ड जो है वो आपस में क्या है, पैरेलल है। अब देखिए अगर आपका सेंटर से जा रहा है और कॉर्ड पर जा रहा है, तो मेरा क्या होगा, अगर ये जो है दोनों दोनों आप क्या लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, एक परपेंडिकुलर है इन दोनों कॉर्ड को, परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, क्लियर है? दोनों 90 90 डिग्री हो जाएंगे। अभी आप क्या करेंगे, अगर ये दोनों एंगल जो है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, मतलब इन दोनों लाइन को हम पैरेलल कंसिडर कर लेते हैं, और ये दोनों एंगल का सम अगर 180 डिग्री आ रहा है, और आपको पता है अगर एंगल ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे अगर क्या आते हैं, 180 डिग्री आते हैं, मतलब सप्लीमेंट्री आते हैं, तो मेरी लाइन क्या होती है, पैरेलल होती हैं। तो वही सब आपको लिखना है खाली, और इसको प्रूव करेंगे कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्रूव हो जाएंगे, क्लियर है? तो इसके आप कुछ नहीं करना, ये दोनों 90 डिग्री देख रखे, इन दोनों को एडअप करेंगे, इन दोनों एंगल्स को आपको नेमिंग करनी होगी, इन दोनों एंगल को ऐड करके दिखाना होगा, आप इनको ऐड करके दिखाएंगे तो 180 डिग्री आएगा, 180 डिग्री आ गया मतलब क्या होगा, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल कितना आ रहा है, सप्लीमेंट्री आ रहे हैं एंगल, मतलब 180 डिग्री आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों लाइन जो रहेंगी, मतलब ये दोनों जो कॉर्ड होंगी वो क्या है, पैरेलल हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मैं इसके अंदर पूरा लिख करके नहीं बता रहा हूँ, स्टिल आप अपने एंड पर ट्राई कीजिएगा, अगर कोई डाउट वगैरह हो तो मुझे पूछिएगा, ठीक है? आपको मेरी वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए, कोई डाउट वगैरह होता है तो कमेंट कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए, और आप मुझसे चाहें कुछ प्राइवेट चैट वगैरह करना चाहते हैं तो आप मेरे फेसबुक पेज का, जिसका मैं लिंक देकर के रखता हूँ अपने डिस्क्रिप्शन में हमेशा, उसको फॉलो कर सकते हैं, उसको भी लाइक कर सकते हैं, वहाँ पे आप मेरे से चैट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और देखने के लिए थैंक यू।